हाई फ्रेंड्स वेलकम टू आई एक्स एम बी सो लेट्स बिगिन विद ए वेरी इम्पोर्टेंट पीस ऑफ न्यूज दैट यू हैव हर्ड प्रोबेबली इन द लास्ट ए डे ऑल्सो दैट इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है कहाँ पे आई एफ एस सी गुजरात पे राइट सो लेट्स सी कि इस पर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं सो लेट्स बिगिन विद ए क्वेश्चन हु फ्राम दी फॉलोइंग विल हैड दी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज अभी अपकमिंग एग्जाम है फेज वन में ऐसे स्टैटिक आ जाते हैं ऑल दो यू नो एक्स एग्जाम्स के नेचर बदल गए हैं बट सिंस दिस इज न्यू एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम तो आ सकता है राइट सो बी विथ मी इन दिस लेक्चर सो यू विल गेट टू नो द आंसर एंड इफ यू नो प्लीज डू कमेंट इट सो लेट्स बिगिन सबसे पहला सवाल हम अपने आप को ये पूछते हैं कि बुलियन का मतलब क्या है राइट right? हमने न्यूज़ में शायद पढ़ लिया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बट हमको बुलियन का मीनिंग नहीं पता तो हमको न्यूज़ का कोई कॉन्टेक्ट या क्रक्स पता ही नहीं चलेगा सो so, बुलियन का मतलब क्या होता है कॉइन्स एंड बार्स ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम एंड पेलाडियम आर कंसिडर्ड एज बुलियन मतलब सिंपल सा बात है जो प्रीशियस मेटल के फॉर्म में है है ना अब उसका यूजेज स्पेशली ऑर्नामेंटल भी होता है एंड रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको आप देख सकते हो सो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम पेलाडियम आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्रीशियस मेटल जिसको हम बुलियन भी बोलते हैं राइट नेक्स्ट इज थोड़ा सा और डेफिनेशन को अंदर तरीके से देखते हैं ये बुलियन एक्सचेंज अभी देखो बुलियन का मीनिंग तो हमने समझ गया बट ऑल टुगेदर बुलियन एक्सचेंज का मीनिंग क्या है ए बुलियन एक्सचेंज इज़ ए मार्केट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर ट्रेड गोल्ड एंड सिल्वर समझ में आ गया बायक्स एंड सेल सिले ट्रीड गोल्ड एंड सिल्वर देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ज्वेलरी शॉप में गए आप अपने लिए या किसी अपने फैमिली मेंबर के लिए गोल्ड रिंग या एक लॉकेट कुछ खरीद लिया तो वो बुलियन एक्सचेंज हो गया नहीं है ना उस उस पर्टिकुलर गोल्ड को हम बुलियन बोल ही नहीं सकते बुलियन मतलब प्रिशियस मेटल ऑफ गुड क्वांटिटी राइट मतलब वो बिस्किट के फॉर्म में है नहीं तो वो बार के फॉर्म में है वो ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं है करेक्ट सो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ आगे पीएम मोदी ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई इनागरेटेड इंडियाज फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज एट गुजरात गिफ्ट सिटी ठीक है आगे बढ़ते हैं और एक टाइमलाइन को समझते हैं कि इसका टाइमलाइन लाइन कहाँ से शुरू होता है तो इसका टाइमलाइन शुरू होता है 2018 से 2018 में नीति आयोग अपने एक रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सो so नीति आयोग राइट वो बहुत सारे रिपोर्ट अलग अलग टाइम पे लाता है जहाँ पे कई बार वो सजेशन भी देता है तो वो सजेशन था कि एक बुलियन के लिए एक स्पॉट एक्सचेंज होना चाहिए राइट right? सो so, अभी इसी सजेशन को आगे बढ़ाते हुए 2020-21 में का जो बजट आया था ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट में इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये फ्यूचर पे आएगा एंड विल बी रेगुलेटेड बाय सेबी ठीक है ये तब की डिस्कशन थी बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स हैज चेंज वो अभी हम इस पूरे लेक्चर पे समझेंगे टू ऑगस्ट टू थाउजेंड में एक पायलट लॉन्च किया गया ठीक है और पायलट तो लॉन्च होता ही है यूजुअली, बिकॉज द एंटायर सिस्टम इज गेटिंग चेंज्ड तो उससे पहले एक पायलट लॉन्च करके समझना कि व्हाट विल बी दी इन द इकोनॉमी सो दैट्स वाई ए पायलट इज नेसेसरी जो किया गया देन अभी जुलाई ट्वेंटी जब हम इस लेक्चर को देख रहे हैं अभी तीन चार दिन पहले इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट कर दिया है राइट सो लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अस अगेन आस्क अवर ए क्वेश्चन प्रोसेस ना ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड तो अभी क्या प्रोसेस है मतलब आप एक एक्सचेंज के बारे में समझ रहे हो मीन्स देर वुड बी ऑल न्यू सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बट अभी तक का क्या प्रोसेस है तो तभी आप इन इसकी ज़रूरतों को समझ पाओगे ना वाई दिस वॉज रिक्वायर्ड तो देखो अभी जो गोल्ड बाय कर सकता है इंडिया वो आर ने कुछ बैंकों को ऑथराइज कर रखा है राइट right? ये बैंक अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करती हैं अब इसमें एक चीज को समझो लेट से एक एग्जांपल लेते हैं हम कोलकाता का ओके ईस्टर्न फ्रंट और एक हम लेते हैं मुंबई का वेस्टर्न फ्रंट तो अभी देखो ज्वेलरी कोलकाता में भी बिकता है मुंबई में भी बिकता है तो ऑब्वियसली जब ज्वेलरी बिकता है मतलब इन ज्वेलर्स को गोल्ड चाहिए सो so, ये क्या करते हैं कोलकाता बेस्ड जो भी ऑथराइज बैंक है ये उनसे खरीदते हैं करेक्ट एंड ये बैंक कहाँ से लाते हैं लाइक सपोज यू ये बैंकों ने यू से मंगवाया गोल्ड इम्पोर्ट किया तो अभी देखो यू से जब गोल्ड आया कोलकाता तक करेक्ट मे बी ड्यू टू डिस्टेंस इम्पोर्ट ड्यूटी और टाइमिंग है ना इसका एक पर्टिकुलर प्राइस होता है बट वही चीज़ बॉम्बे में ना वो प्राइस डिफर करता है क्यों डिफ़र करता है मे बी दी टाइमिंग जिस टाइम पे इस पर्टिकुलर मीन्स कोलकाता पे इस बैंक ने खरीदा था तब शायद प्राइस कुछ अलग था तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी है ना कुछ अलग लगा होगा फ्लाइट चार्जेस मे बी डिस्टेंस यू से कोलकाता का डिस्टेंस यूएई से मुंबई का डिस्टेंस दी फ्लाइट चार्जेस में चेंज होगा चेंज होने की वजह से ये जो प्राइस है ये प्राइस डिफर करता है करेक्ट और हम एक ही एग्जाम्पल लेते हैं लेक से आ, हम ले लेते हैं ज्वेलर्स को लेक से तनिष्क टाटा ग्रुप का है तनिष्क तो तनिष्क कोलकाता में भी है मुंबई में भी है तो सेम तनिष्क जब कोलकाता में खरीदेगा गोल्ड तो उसको प्राइस अलग मिलेगा जब मुंबई में खरीदेगा तो अलग मिलेगा सो so, यहाँ पे एक चैलेंज हमको आता है कि एक ही कंट्री में एक नेशन में द प्राइस ऑफ गोल्ड इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज ठीक है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है एंड बैंक आर दी ओनली ऑथोराइज और हर बैंक नहीं आर से कुछ ही बैंकों को ऑथोराइजेशन मिला हुआ था सो so, अभी का प्रोसेस आपको समझ में आ गया है एंड ये प्रोसेस इज गोइंग टू तो चेंज फ्रॉम नाओ ऑनवर्ड्स बिकॉज नाउ थिंग्स विल बी डन थ्रू इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज तो वो होगा कैसे वाई दी नीड अभी हम नीड को समझते हैं नीड कुछ ऐसा है ट्रांसपेरेंसी राइट देखो फ्राइट चार्ज एक ऐसा चीज़ है मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ राइट फ्राइट चार्ज एक ऐसा चीज़ है आपने बोल दिया कि इसके ऊपर दस रुपये लगा इसके ऊपर बारह रुपये लगा यू कैंट वेरीफाई एज ए बायर है ना आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हाँ प्रोबेबली बिल होगा बट यू नो दैट इज़ नॉट ए ट्रांसपेरेंट वे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाना था सिस्टम में देन स्टैंडर्ड गोल्ड प्राइसिंग तो आई होप ये आपको लास्ट वाले स्लाइड में समझ में आ गया है बिकॉज मैंने मुंबई और कोलकाता का एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा है देन बेटर प्राइस negotiation, अभी देखो जब कोलकाता बेस्ड बैंक मंगवा रहा है गोल्ड और जब मुंबई बेस्ड तो ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में तो नहीं मंगवा रहा है ना वहाँ के डिमांड के हिसाब से मंगवा रहा है वो टू मे बी लेट से यू नो वन टन एग्जाम्पल या हंड्रेड के जीस है ना तो हंड्रेड के उसने मंगवाया बट जब इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के थ्रू कोई बड़ा मेंबर या बड़ा ज्वेलर्स जाएगा यू मार्केट पे लाइक सपोज यू मार्केट में जाएगा जाके बोलेगा मेरे को हंड्रेड टन चाहिए या वन थाउजेंड टन चाहिए तो ऑब्वियसली इन दैट केस ठीक है एग्जाम्पल शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दे दिया बट नेवर माइंड बेटर प्राइस नेगोशिएशन मतलब एक प्राइस नेगोशिएशन ज़्यादा होगा बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है और एक रेगुलेटेड चैनल के थ्रू और रेगुलर वे पे आएगा करेक्ट देन वन नेशन वन गोल्ड प्राइस जो आपको क्लियर हो गया है लास्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं द फैक्ट इज इंडिया इम्पोर्टेड वन जीरो सिक्स नाइन टन ऑफ गोल्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके सो एंड अपू फोर थर्टी टनस ए ईयर है वो अप फ्रॉम फोर थर्टी टन एयर है वो मीन्स दो हजार बीस में हमने चार सौ तीस टन कम मंगवाया था सी ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो द कंजम्पन ऑफ गोल्ड इज वे टू हाई वन जीरो सिक्स नाइन टन्स ऑफ गोल्ड ना ओनली आफ्टर चाइना वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर राइट देन इंडियन हाउस होल्ड ओन एंड एस्टिमेटेड कलेक्टिवली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टन्स ऑफ गोल्ड मतलब इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलेगा राइट बट नो बडी नोस एस्टिमेटेड है कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टन्स ऑफ गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड में विच पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट करेक्ट तो अब हमने फैक्ट्स देख लिया अब हम आगे वाले सवाल को पूछते हैं हाउ विल आई बी एक्स वर्क ठीक है और मेम्बरशिप कैटेगरी में हम आएंगे। आई बी एक्स कैसे काम करेगा तो आई बी एक्स में यूजली देखो कोई भी एक्सचेंज में ना दो लोग होते हैं एक है रजिस्टर्ड बायर एक होता है ट्रेडर बट हम हम इसी के कॉन्टेक्सट में समझेंगे जो रजिस्टर्ड बायर है ये किसके साथ रजिस्टर्ड करेंगे आई बी एक्स के साथ करेंगे राइट एंड ट्रेडर्स कौन है ट्रेडर्स मतलब जो जहाँ से हमको इम्पोर्ट करना है लाइक से यू का कोई डीलर ठीक है या यू का कोई डीलर सो so, अलग अलग कंट्रीज जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं वहाँ के डीलर्स दे आर कॉल्ड ट्रेडर्स रजिस्टर्ड बायर्स मतलब जो लोग इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के थ्रू परचेस करेंगे उनको रजिस्टर्ड बायर्स बोला जाएगा राइट right? बीच में कौन होगा आई होगा ओके आई होप उ विल आई आई बी एक्स वर्क इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया एंड लेट्स नाउ सी रेजिस्टर्ड बायर्स ये लोग कौन है इनका मेंबरशिप कैटेगरी क्या है राइट right? तो इनके मेंटेगरी को ये फाइव uh, इसमें डिवाइड किया गया है करेक्ट सो लेट्स सी वन बाई वन सो पहला होता है आपका ट्रेडिंग मेंबर ये ट्रेडिंग मेंबर कौन है सो ट्रेडिंग में हिज ट्रेड्स ऑन हिजोन अकाउंट एज वेल एज क्लाइंट अकाउंट अभी यह क्लाइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा आगे जाके समझ में आएगा राइट right? वो अपने अकाउंट को सेटल कर सकता है और मतलब अपने अकाउंट में वो बाई सेल कर सकता है और अपने क्लाइंट के लिए भी बाई सेल कर सकता है लेकिन यहाँ पर उसको क्लियरिंग मेम्बर चाहिए मतलब जो ट्रेडिंग मेम्बर है इसके पास क्लियरिंग ऑथोरिटी नहीं है इसको क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग मेम्बर का हेल्प चाहिए करेक्ट right? वो हम आगे अभी सब सब सम, समझेंगे देन एल टीपीएम लिमिटेड परचेज ट्रेडिंग मेंबर ये कौन होते हैं ये होते हैं वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स है ना जिनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है लेकिन आई में नहीं है अभी देखो इंडिया में कितने सारे ज्वेलरी शॉप है कितने सारे ज्वेलरी आउटलेट है सो डू यू रियली थिंक ये सारे लोग आई में या आई में जाके अपना ऑफिस या अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे ऐप नॉट राइट देर हैज टू बी सम बिग प्लेयर्स हु कैन डू दिस दैट प्रोफेशनल कैपेसिटी एज वेल फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग दे आर बिग इनफ राइट वो सारी चीजें हम समझेंगे तो उनको एलटीपीएम बोला जाएगा तो ये लोग भी अपने अकाउंट पे ट्रेड कर पाएंगे लेकिन ये लोग क्लाइंट ऑन बोर्डिंग नहीं कर पाएंगे मतलब किसी और के लिए ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लिमिटेड पर्पस ही है इनका ऑफिस आईएफएससी में नहीं है बस मींस इनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है बट दे डोंट डोंट हैव एनी ऑफिस और यू नो एनी चेन इन आईएफएससी अब हम आगे बढ़ते हैं टीएसएम ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर तो देखो ये वो मेंबर हैं जो अपने लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लस अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हैं ओन प्लस क्लाइंट प्लस ये सेटल भी कर सकते हैं अब समझ में आया देखो ट्रेडिंग मेंबर सब कुछ कर सकता था लेकिन उसको सेटल नहीं कर सकता था उसको किसका हेल्प चाहिए था क्लियरिंग मेंबर था बट ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर जो टीएसएम कैटेगरी का मेंबर होगा वो सेटल भी कर सकता है अब हम आ, अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर टीसीएम ये टीसीएम कौन होते हैं आई होप नाम से आपको क्लियर हो जा रहा होगा So, TCM के पास टी एस एम का हर राइट होता है प्लस ये लोग किसी और का भी सेटल कर सकते हैं मीन्स दोज हु चूज टू सेटल विद आई होप ये इंग्लिश वाला लाइन थिंग्स विल मेक यू क्लियर दोज हु चूज द टी सी एम एज ए पार्टनर टू क्लियर देयर अकाउंट देखो ये ट्रेडिंग मेंबर है ना ट्रेडिंग मेंबर ये क्लियर नहीं कर सकते तो यहाँ जिसके पास मेंबरशिप कैटेगरी ट्रेडिंग मेंबर हैं तो यहाँ जाके वो एक इसको सेलेक्ट कर लेगा और अपने अकाउंट को क्लियर कर लेगा तो अब आप अपने आप को पूछो कि नंबर थ्री और नंबर फोर में डिफरेंस क्या है नंबर थ्री में और नंबर फोर में डिफरेंस सॉरी ये है कि जो टी एस एम कैटेगरी है ना ये अपने ही अकाउंट को सेटल कर पाएगा किसी और का नहीं है अपने ही अपने क्लाइंट के ट्रेड्स को सेटल कर पाएगा बट ये किसी और के ट्रेड को भी सेटल कर पाएगा टीसीएम को टीसीएम करेक्ट अभी आते हैं नंबर फाइव प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर आई थिंक ये नाम से ही आपको क्लियर हो गया कि ये मेंबर है ये ट्रेड नहीं कर सकता ये क्या करता है सिर्फ ये क्लियर करता है ये क्या क्लियर करता है ये ट्रेड्स को क्लियर करता है आई होप दिस कैटेगरी इज क्लियर नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी दी नेटवर्थ राइट right? तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि फैक्चुअली uh, कभी अगर कोई क्वेश्चन आ गया यू नो यू विल हैव टू आंसर सो सो दैट्स वाई तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग कैटेगरी है एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इंक्लूडिंग आई एफ एस सी और जो फॉरन एंटिटीज़ हैं फॉरन एंटिटीज भी इंडिया में uh, ज्वेलरी बेच रहे हैं राइट right? नाउ uh, ये है उनका नेटवर्क कैटेगरी करेक्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड लुक फॉर दिस नंबर नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी, इनका डिपॉजिट क्या होना चाहिए मतलब ये सब क्या है रेगुलेटरी क्राइटेरिया है मेंबर बनने का तो डिपॉजिट में अगर हम देखेंगे तो डिपॉजिट हर कैटेगरी के लिए कुछ ऐसा है कि एक्सचेंज कैटेगरी में फिफ्टीन थाउजेंड यू एस डॉलर क्लेजिंग में सेवेंटी फाइव एंड वन लैख स डॉलर ये अलग अलग कैटेगरीज है आपको ठीक है एंड टोटल डिपॉजिट स्टैंड सो अभी देखो आप डिपोजिट देख के यू विल गेट थिंग्स थिंग्स विल बी क्लियर कि ये दिस इज ओनली फॉर यू नो बिग प्लेयर्स बिकॉज एक छोटा ज्वेलर बाहर यू में जाके कितना ही सोना खरीदेगा सो इन दैट सेंस एक ऐसे प्लेयर जिसके पास प्रोफेशनल कैपेसिटी भी है प्लस दे हैव मनी टू बाई फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट नेक्स्ट इज वाट विल बी ट्रेडेड वाट विल बी ट्रेडेड इन दी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सो देखो एज ऑफ नाउ है ना सिर्फ गोल्ड बार ऑफ वन के जी विथ नाइन नाइन फाइव प्योरिटी राइट नाइन नाइन फाइव प्योरिटी अब नाइन नाइन फाइव क्या होता है देखो चौबीस कैरेट ट्वेंटी फोर कैरेट इज दी हंड्रेड परसेंट प्योर ठीक है अब ये ट्वेंटी फोर कैरेट को तुम नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट प्योरिटी में लेके आ जाओ तो वो जो गोल्ड बार बनेगा वो बनेगा पहला प्रोडक्ट दैट गोल्ड बार ऑफ वन के जी विथ नाइन नाइन फाइव प्योरिटी पहला प्रोडक्ट और दूसरा होगा तुम्हारा गोल्ड हंड्रेड ग्राम विद नाइन 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 प्योरिटी विल बी ट्रेडेड विद दिस सेटलमेंट ऑफ टी प्लस जीरो करेक्ट ये होगा तुम्हारा पहला प्रोडक्ट बट इसके आगे सिल्वर एंड फ्यूचर में पता नहीं हमको क्या क्या देखने को मिलेगा बट ये सिल्वर इज ऑन दी पाइपलाइन कि गोल्ड के बाद द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू कम इज सिल्वर एंड प्रोबेबली यू नो ये गोल्ड्स के बार में भी चेंजेस होगा बिकॉज एक छोटा ज्वेलर ऑब्वियसली शायद एक के जी गोल्ड ना खरीद पाए बट सौ ग्राम गोल्ड तो खरीद पाएगा करेक्ट सो so, शायद ये डिनोमिनेशन में भी फ्यूचर में हमको चेंज देखने को मिले लाइक से फाइव हंड्रेड ग्राम और सेवन हंड्रेड ग्राम तो दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन टाइम सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट हियर ओके देन हु कैन एनरोल ऑन एक्सचेंज एनरोल कौन एनरोल कर सकता है एक्सचेंज में इन ऑर्डर टू बिकम ए क्वालिफाइड ज्वेलर्स एंटिटीज रिक्वायर ए मिनिमम नेटवर्क ऑफ ट्वेंटी फाइव करो तो क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो है उनके लिए क्या है नेटवर्क ट्वेंटी फाइव करो और उनका जो एनुअल एवरेज एनुअल टर्न ओवर है लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर में उसके नाइन्टी परसेंट प्रिशियस मेटल में होना चाहिए किस में होना चाहिए प्रीशियस मेटल में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो और भी सारे बिजनेस कर रहे हैं उसका एक पार्ट तुम्हारा ज्वेलरी है ऑल्दो दे कैन बी बिग अभी देखो जैसे टाटा ग्रुप में देखो तनिष्क और टाइटन अलग अलग है बट ये दोनों एक होता तो शायद इस कैटेगरी में तनिष्क फॉल नहीं करता बिकॉज टाइटन इज ऑल टूगेदर ए वेरी बिग कंपनी बहुत सारी घड़ियां इंडिया में बेचता है सो इन दैट सेंस उसका जो नाइन्टी परसेंट एनुअल टर्न ओवर होगा ना वो तुम्हारा प्रिशियस मेटल में ही होना चाहिए लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नाउ हुआ सो देर आर टोटल सिक्सटी फोर बिग ज्वेलर्स जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुके हैं समी नेम्स आर मालाबार गोल्ड टाइटन कंपनी लिमिटेड ओके सो दिस टाइटन कंपनी इज तनिश्क देन बैंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड आरबीजेड ज्वेलर जवेलियन कंपनी और भी सिक्सटी फोर नाम तो लिखना संभव नहीं है बट ये सम बिग नेम्स सो देट यू कैन कोगलेट ओके सो देगा सिक्सटी फोर बिग ज्वेलर कम ऑन बोर्डेड नाव लेक्स्ट मूव फॉरवर्ड सो नाव देखो आर बी आई का तो ऑब्वियसली नया गाइडलाइन आएगा ही क्यों क्योंकि अभी तक तो आर के हिसाब से चल रहा था आर बैंकों को बोलता था आई I मीन mean, कुछ बैंकों के पास ऑथराइजेशन था वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके खरीद के लाते थे बट अभी इस नए चेंज रेजीम में आर का भी कुछ गाइडलाइंस होगा तो आर ऐसा बोला है कि बैंक में अलाओ क्वालिफाइड ज्वेलर्स मतलब वो सिक्सटी फोर लोगों को बैंक में अलाओ टू रेमिट एडवांस पेमेंट फॉर इलेवन डेज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड थ्रू आई करेक्ट मतलब अब क्वालिफाइड ज्वेलर्स डायरेक्टली एडवांस पेमेंट रेमिट कर पाएंगे तो देखो एडवांस पेमेंट रेमिट करना है तो बैंक तो चाहिए तो आर ने बैंक को बोल दिया कि अब आप नहीं कर सकते अब ये ज्वेलरी को क्वालिफाइड uh, जो ज्वेलर्स हैं इनके एडवांस को आप रिमिट कीजिए फॉर इलेवन डेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ गोल्ड थ्रू आई ओके वो आई के थ्रू होना चाहिए इन कम्प्लायंस टू द एक्सटेंट फॉरिन ट्रेड पॉलिसी एंड रेगुलेशन इश्यूड बाई आई एफ एस सी एक्ट तो देखो ये आई एफ एक्ट से सब कुछ आता है बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन गिफ्ट सिटी गुजरात तो वहाँ पे जितने सारे एंटिटी है इज रेगुलेटेड बाई आई एफ एस सी एक्ट राइट एंड दिस वन टू नाउ अकॉर्डिंग टू आर बी आई ऑल पेमेंट बाई क्वालिफाइड ज्वेलर्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड थ्रू आई आई बी एक्स शैल बी मेड थ्रू दी एक्सचेंज मैकेनिज्म अप्रूव बाई आई एफ एस सी एक्सचेंज मैकेनिज्म पे ही होगा आपसे ये आर बी आई का नया गाइडलाइंस है शॉर्ट एंड सिंपल ना अब हम समझते हैं बेनिफिट्स सो आई होप इस वाले स्लाइड पे ना लेट्स नॉट गिव मोर टाइम बिकॉज इफ यू हैव वॉचड इड थोरोली देन आप इससे बेहतर कैस कर सकते हो कि बेनिफिट क्या है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल प्राइस बाय सेविंग ऑन दी फ्राइक चार्जेस अलग अलग फ्राइक चार्जेस नहीं देना होगा और जब एक्सचेंज बन गया तो इंटरनेशनल प्राइस भी यहाँ पे बिकॉज दी प्राइजिंग विल बी यू एस डॉलर ओके यहाँ पर जो डील होगा यू एस डॉलर पर होगा इंडियन करेंसी पर नहीं होगा

ऐसा देखा गया है कि नहीं अफ्रीक अफ्रीका में कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे माइनिंग जो है ना वो बच्चों से करवाया जाता है या कंडीशन सही नहीं है मतलब माइनिंग माइंग्स में जो लेबर्स काम करते हैं ना कंडीशन सही नहीं है सो देर हैज टू बी सम रिस्ट्रिक्शन कि नहीं हम वहाँ से नहीं खरीदेंगे आप वहाँ के कंडीशन सही करो देन वी विल बाई यू नो तो वो चीज़ भी एक रेगुलेशन में आ जाएगा थ्रू आई आई बी एक्स देन कंज्यूमर विल बी अल्टीमेट बेनिफिशरीज एप्सोल्यूटली क्यों क्योंकि जब अलग अलग फ्राइड चार्जेस था तो ऑब्वियसली वो प्राइस कौन बियर करता था वी दी कंज्यूमर्स राइट जो उसको खरीद रहा है बट यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइस होने की वजह से वो सारे प्राइज वो जो सारे एडिशनल कॉस्ट है ना वो अभी बच जाएगा सो कंज्यूमर विल बी दी अल्टीमेट बेनिफिशियरीज बट येस अगेन टाइम विल टेल क्योंकि ज्वेलर्स को उसको पास करना होगा एंड प्रोबेबली दे विल डू नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी दी आंसर So, the answer is Ashok Gautam. Okay. So, this is the uh, man in the picture who would be the first person to head the India International Bullion Exchange as the capacity of managing director and CEO. Right. With this, I would say unfold your potential through IXMB. Thank you and all the best. Prepare 50% faster with IXMB.